शहर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। बीजापुर में पहली बार बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। टेलीफोनिक फ्रॉड के मामले में बस्तर पुलिस को मिली सफलता। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश में काफी मात्रा में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण दिन भर बादल छाए रहे। अब खबरें विस्तार से। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने पहुंचे बस्तर सांसद दीपक बैज, जगदलपुर विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम पहुंचे बीजापुर, जहां सभी ने उनका आत्मीय स्वागत किया। स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकालकर शहर का भ्रमण किया। बीजापुर में पहली बार बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बस्तर में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत सभी विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करें, जिससे इनका लाभ स्थानीय जनता को मिले। उन्होंने आश्रम छात्रावासों के माध्यम से बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिक से अधिक विकास कार्य संपादित करने के लिए प्राधिकरण के बजट को बढ़ाने हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही है। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक को बस्तर का कैबिनेट बैठक बताते हुए कहा कि इस बैठक में बस्तर में संचालित विकास कार्यों की विस्तार पूर्वक चर्चा होती है और उसके आधार पर कार्यों को धरातल पर उतारा जाता है। मंत्री ने नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना को शासन की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए सभी गौठानों को शासन की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाने निर्देश दिए हैं। टेलीफोनिक फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल व उप पुलिस अधीक्षक अनुविभागीय अधिकारी भानपुरी घनश्याम कामड़े एवं नोडल साइबर सेल गीतिका साहू के द्वारा टेलीफोनिक फ्रॉड के मामलों के दृष्टिगत विशेष रुचि लेकर साइबर सेल के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज साइबर फ्रॉड अंतर्गत एक आपराधिक प्रकरण जिसमें SBI के खाता धारक विजय पांडे को कस्टमर केयर से बोल रहा हूं, चेक बुक इशू करवाने के लिए एनी डेस्क एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा कहकर 2,45,000 का ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी गण पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। सितंबर 2022 में मामले के प्रार्थी छोटे आमावाल निवासी विजय पांडे अपने SBI भानपुरी ब्रांच के खाता का चेकबुक प्राप्त करने के लिए कस्टमर केयर नंबर पर आवेदन किए थे। आवेदन करने के कुछ दिन बाद फर्जी मोबाइल नंबर से विजय पांडे को कस्टमर केयर एजेंट बोल रहा हूं कहकर फोन किया और प्रार्थी को उसके मोबाइल से एनी डेस्क एप्लीकेशन को डाउनलोड कर प्रोसेस करने के लिए कहा। प्रार्थी कॉलर के झांसे में आकर एनी डेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया और कॉलर के कहे अनुसार प्रोसेस करने लगा। कुछ देर बाद ही विजय पांडे के मोबाइल पर 2,45,000 कट जाने का मैसेज आया। तब प्रार्थी को एहसास हुआ कि वह ठगा जा चुका है। प्रकरण थाना भानपुरी से संबंधित है। इस पूरे प्रकरण में प्रार्थी ने थाना भानपुरी में सितंबर महीने में एक रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक चेकबुक इशू कराने के नाम से SBI के कस्टमर केयर बनकर ठगों ने उनसे एनी डेस्क एक ऐप डाउनलोड करवाया था और उस ऐप के माध्यम से 2,50,000 रुपए की ठगी उनके अकाउंट से हो गई थी। इस पूरे प्रकरण पे बस्तर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिहार में मुंगेर, समस्तीपुर और शेखपुरा जिलों से 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। ये आरोपी अखिलानंद, राजेश यादव, विकास राज और राहुल कुमार हैं। इस पूरी कार्यवाही में एक मोबाइल फ़ोन 4 जब्त हुए हैं, कुछ लैपटॉप हैं, सिम है 12, पैन कार्ड है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंटर है और साथ ही लगभग 30,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ IT Act के तहत अपराध पंजीबद्ध है, उसके तहत उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया।
जगदलपुर में सिटी बस सेवा को पुनः शुरू करने के लिए निगम ने करीब 5 महीने पहले बसों के मेंटेनेंस में करीब 12 लाख रुपए खर्च किए थे। योजना के तत्कालीन नोडल अधिकारी SB शर्मा ने बताया कि लोगों को सस्ती दरों पर यात्रा सुविधा मुहैया कराने 2015-16 में जिले को 10 सिटी बसें मिली थी। इन बसों को जिला मुख्यालय से अलग अलग मार्गों में चलाया जाना था। करीब 1 साल तक ठीक ठाक चलने के बाद यह सेवा करीब करीब बंद हो गई है। समय समय पर कुछ बसों का संचालन जिला प्रशासन ने कराया। 3 महीने पहले से बस्तर जिले में केवल 3 सिटी बसों का संचालन गुप्ता प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जो जिले के अलग अलग हिस्सों में बसों को चला रहे हैं। सिटी बसों को जिले के हर मार्ग में चलाया जा रहा था, लेकिन इसका फायदा ठेकेदारों को नहीं मिला। समय पर बसों का मेंटेनेंस नहीं होने से अब नए ठेकेदार पुराने मार्ग पर बसों को चलाने के लिए तैयार नहीं है। वे उसी मार्ग पर इन बसों को चलाना चाहते हैं जहां पर सवारी हमेशा मिलती रहे। इसकी पुष्टि योजना के नोडल अधिकारी ने की। पटेल ने कहा कि बस ऑपरेटर योजना का संचालन सही ढंग से हो और उन्हें भी इसका लाभ मिले, इसके लिए वे बस के रूटों में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ऑपरेटर्स की मांग को लेकर निगम आयुक्त से बात की जाएगी। उनके निर्देश पर सिटी बसों का संचालन किया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में हो रहे चक्रवात के परिवर्तन का असर आज बस्तर जिला के जगदलपुर में देखने को मिला। दिन भर सूरज का लुका छुपी के पश्चात दिन भर बादल छाए रहे और कुछ घंटों तक हल्की बूंदाबांदी होती रही। बूंदाबांदी के बीच भी लोग अपने दिनचर्या के कार्य को करते रहे। मौसम विभाग का कहना है कि बस्तर जिला में अभी 1-2 दिन मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा। मंडोस चक्रवाती तूफान का अवशेष अवदाव के रूप में परिवर्तित होकर उत्तर तमिलनाडु के ऊपर वेल्लोर से 30 किलोमीटर दूर, कृष्णगिरी से 120 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसके पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए अगले 12 घंटे में कम दबाव के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। प्रदेश में काफी मात्रा में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में आंशिक रूप से बादल रहने की संभावना है। साथ ही 1-2 स्थानों पर बस्तर संभाग के जिलों में वर्षा भी हो सकती है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट होने तथा उत्तरी भाग में अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। जगदलपुर के मंगरू कचोरा में आज जिला स्तरीय झरिया साहू समाज की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें जिला स्तर के समस्त साहू समाज के महिला पुरुष एवं युवा विंग्स के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 15 जनवरी को 1000 युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन रखा जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य युवक और युवतियों को परिचय कराने के उपरांत अपने लिए सुयोग्य वर वधु का चयन किया जाना है। इस परिचय सम्मेलन में बस्तर संभाग के 7 जिले के झरिया साहू समाज के युवक युवती एवं उनके परिजनों का भेंट मुलाकात भी कराना है। छत्तीसगढ़ साहू समाज के द्वारा समय समय पर परिचय सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में होता रहा है और अधिक जानकारी दे रहे हैं जिला साहू समाज के अध्यक्ष। बैठक जो रखी गई है तहसील अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष और जिला के कार्यकारी सभी को आज इस बैठक में आया गया है और 15 जनवरी को संभागीय स्तर सम्मेलन है, परिचय सम्मेलन जो भव्य स्तर में होना है, जिसमें हम लक्ष्य रखे हैं हमारे सभी संभागीय स्तर के जिला अध्यक्ष 1000 युवक युवती रहेंगे और हमारे समाज के बनेंगे, जो विशाल बस्तर संभाग के लिए एक सम्मेलन है, बहुत बड़े स्तर में होगा, जिसमें सभी समाज के लोग, इसमें हमारे साहू समाज के सभी सहयोग कर रहे हैं और कार्यक्रम को सफल करने का सभी ने आश्वासन। जिला उपाध्यक्ष जो आज जो बैठक हो रही है जिला स्तर की, 15 जनवरी को जो परिचय सम्मेलन है युवक युवतियों का, हमारे साहू समाज के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है और सभी में उत्साह भरा हुआ है और सभी सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। आने वाला 15 तारीख को इसका रिजल्ट होगा। ये जो से लोग आएंगे इस पे पूरे संभाग इस तरीके से। आज शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर वी विजया लक्ष्मी द्वारा तथा मुख्य अतिथि के रूप में निवेदिता पॉल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदलपुर रही। विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहन सोलंकी ने मानव अधिकार की उत्पत्ति, विकास एवं संविधान में दिए गए प्रावधान को बताया। प्राचार्य महोदया द्वारा मानव अधिकार को अपने जीवन में बिना किसी सोच विचार के दूसरों का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। मुख्य अतिथि द्वारा मानव अधिकार आपके जीवन में कितना महत्व है और आप किस तरह से इससे अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, साथ ही उन्होंने मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी चर्चा की और सभी को जीवन में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति प्रेरित किया।
इस कार्यक्रम में विधि विभाग के विद्यार्थी कौस्तुभ ठाकुर द्वारा भाषण अभिषेक, गुरु द्वारा गीत रीति का, श्रृंखला ग्रुप द्वारा नाटक एवं नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय में विधि विभाग के विद्यार्थियों के अलावा महाविद्यालय के अनेक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में विधि विभाग के सहायक प्राध्यापक मोहन पोयाम द्वारा आभार प्रकट किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने मानव अधिकारों के विषय में जाना, मानव अधिकार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कहाँ से हुई। जैसे मैग्ना कार्टा से हम अगर वर्तमान समय में बात करें तो मैग्ना कार्टा से मानव अधिकारों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा 1948 10 दिसंबर 1948 को जो की गई थी, उसी के उपलक्ष्य में हम आज मानवाधिकार दिवस का के रूप में मनाते हैं। आज के दिन हम ये जानते हैं कि हमारे किस प्रकार से एक मानव को जीवन जीने के लिए किन किन अधिकारों की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करेंगे मानव अधिकार क्या है, सीधा हम एक ही लाइन में ये कहेंगे कि बिना मानव अधिकार के जीवन मनुष्य का एक जानवर के समान होता है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज के SNCU वार्ड में बीते दिनों 4 बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है, जिसमें कलेक्टर कुंदन कुमार ने शासकीय मेडिकल कॉलेज संबंध जिला अस्पताल में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करने तथा गहन उपचार इकाइयों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान अधिकारी निरीक्षण व जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपेंगे। कलेक्टर ने कहा कि महीने के प्रथम सप्ताह में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, द्वितीय सप्ताह में आयुक्त नगरपालिक निगम एवं तृतीय सप्ताह में अपर कलेक्टर एवं चतुर्थ सप्ताह में SDM अंबिकापुर जिला चिकित्सालय की क्रिटिकल केयर यूनिट ICU, HCU आदि की मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, जो उपरोक्त अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। साप्ताहिक निरीक्षण के दौरान अस्पताल अधीक्षक, सिविल सर्जन, CGMSC, CSP, PDCL तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता एवं अस्पताल सलाहकार साथ रहेंगे। वही अस्पताल सलाहकार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर लॉग बुक में दर्ज कराकर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाएगा। नहीं, जिला चिकित्सालय में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए कलेक्टर सर द्वारा एक दल का गठन किया गया है, जिसके नोडल CMHO साहब रहेंगे और इसमें जिला स्तर से CEO, जिला पंचायत, नगर निगम कमिश्नर और SDM अंबिकापुर, ADM सरगुजा, ये सभी लोग साप्ताहिक तौर पर जाकर पूरी टीम के साथ में, जिसमें कि जो भी अन्य डिपार्टमेंट्स हैं रिलेटेड, जैसे कि ENDM हो गया, PWD के अधिकारी, CGMSC के अधिकारी, वो भी रहेंगे ताकि जिला चिकित्सालय में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। गरियाबंद जिले में CM का दौरा चिंगराभाटा के गरीब परिवार के लिए वरदान साबित हुआ। गरीब परिवार के घर जन्मी 5 वर्षीय योगेंद्री पैदाइशी हृदय रोग की मरीज थी। दिल के छेद का उपचार करा पाना इस परिवार के लिए नामुमकिन था। विगत दिनों देवभोग भेंट मुलाकात पे आए CM भूपेश बघेल के समक्ष नन्ही बेटी के तकलीफ के बारे में बताया था। CM ने बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। उनके जाते ही मेडिकल टीम सक्रिय हो गई। योगेंद्री को एक दिन पहले राजधानी के निजी अस्पताल में संपर्क कराकर उनकी प्रारंभिक जांच शुरू कर दिया गया है। बहुत जल्द ही उसके दिल में छेद का इलाज भी होगा। अब परिवार CM के प्रति आभार जता रहा है। योगेंद्री सोरी जो है 5 साल की बच्ची, उसके दिल में छेद है। उसका किस तरह से इलाज करा? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज है, जिनका जो सर्जन होते हैं हार्ट के, उनके द्वारा सर्जरी करना होता है छेद को बंद करने के लिए। तो उसके लिए जो है वो सोमवार को जाएंगे। इसके लिए बात हुआ है वहाँ पर, जो रायपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल है MMI, वहाँ पे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से वो फ्री में इन सबका इलाज होगा बच्चे का। राजा मोरध्वज की नगरी आरंग शनिवार को भागवत में दिखाई दिया। दरअसल धर्मनगरी आरंग में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के प्रथम दिवस पर भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आरंग शहर के मुख्य मार्ग में मंगल कलश यात्रा की लंबी कतार लगी, जिसे देखने आरंग नगर में जनता की भारी भीड़ दिखाई दी। ब्रॉस बैंड पार्टी ने अपनी धुन से इस भव्य मंगल कलश यात्रा को और भी अधिक भक्तिमय बना दिया। इस कलश यात्रा में विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक,
रायपुर सांसद सुनील सोनी, धरसिंहवा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, आरंग के पूर्व विधायक संजय डीडी, जिलाध्यक्ष अभिषेक कश्यप, महामंत्री श्याम नारंग सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। पुष्प वर्षा से इस ऐतिहासिक भव्य मंगल कलश यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के संयोजक वेदराम मनहरे ने क्षेत्र की जनता और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। आज जो ऐतिहासिक आरंग नगरी में कलश यात्रा में जो माताएं बहनें भाग ली है, वो उसको देख के ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान यहाँ उतर आए हैं। और मैं माताओं और बहनों से निवेदन करता हूँ कि भगवान की कथा सुनने के लिए 7 दिन निरंतर आए और अपने जीवन को धन्य करें और भक्तिमय सागर में डुबकी लगाएं। नगर पालिका के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। भाजपा इसे चुनावी जीत के रूप में देख रही है। शनिवार को भाजपा ने बस्तर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन के नेतृत्व में तिरंगा चौक में जमकर आतिशबाजी की और जीत की खुशी मनाई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और नारेबाजी भी की। इधर जीत के बाद नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन ने सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा है। आज जब कांग्रेस के नेतृत्व में गरियाबंद नगर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है तो वे इसे पचा नहीं पा रहे हैं। नगर के विकास रोकने और निकाय की सत्ता हत्याने अविश्वास प्रस्ताव जैसे हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन भाजपा की एकजुटता के चलते उनकी ये साजिश नाकाम रही। मेमन ने कहा कि नगर पालिका के सभी पार्षद नगर का विकास चाहते हैं, सभी मिलकर सामंजस्य से काम कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव भी न चाहते हुए कांग्रेस नेताओं के इशारे पर लाया गया था। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके ने कहा कि भाजपा की रीति नीति विकास की रही है। 3 साल में हमने बेहतर काम किया है, धरातल में विकास कार्य दिख रहे हैं। इससे कांग्रेस में बौखलाहट है, इसके चलते सत्ता से हटाने की तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन नाकाम हो रहे हैं। हम जनता के विश्वास में खरे उतरे हैं, आने वाले 2 साल भी नगर में बेहतर काम करने को मिलेगा। कल फिर से कांग्रेस को मात देकर, विधायक को मात देकर, विधायक के इशारे पर जो अविश्वास प्रस्ताव गरियाबंद के पार्षदों ने लगाया था बेमन से, उसकी जीत की खुशी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मना रहे हैं। आने वाले समय में बाहरी व्यक्ति को नकार कर स्थानीय व्यक्ति को अपनाएंगे, यह संदेश जा चुका है। जनता ने 17,000 जनता ने गरियाबंद की हमें चुनी थी, जिसको ऊपर वालों के इशारे पर आकर 8 लोगों ने फिर से हराने की कोशिश की और वह नाकाम रही। हम भारतीय जनता पार्टी की के तरफ से गरियाबंद की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी गरियाबंद के कार्यकर्ताओं ने आज विजयपुर निकाली, फटाखे फोड़े, मिष्ठान बांटे और खुशियां मनाई, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल आज बढ़ा है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस संयंत्र करके हमें हटाने का प्रयास कर रही थी, पार्षदों को दबाव बना रही थी, इस सबको देखते हुए हमारी जीत हुई। इस खुशी में सभी कार्यकर्ता आज सम्मिलित हुए हैं और खुशियां मना रहे हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।